बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी में आज हम इकाई 4 अपने बारे में का अभ्यास करेंगे। अपने बारे में यानी हमारे खुद के बारे में। आपका नाम क्या है, आपके मम्मी पापा का, फैमिली मेंबर का नाम क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है, ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले पाठ की शुरुआत में ही एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको अपना खुद का फोटोग्राफ चिपकाना है। तो चलिए अब हम इकाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम खाली जग्या है, तो आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। दूसरा, मैं खाली जग्या कक्षा में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ। कक्षा का अर्थ है धोरण, आप कौन से धोरण में है। चौथे, अगर लड़का है तो वो पढ़ती हूँ को काट देगा, यानी कि उस पे लाइन कर देगा। अगर लड़की है तो वो पढ़ता हूँ पे लाइन कर देगी, यानी कि हो जाएगा मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ या फिर पढ़ता हूँ। मैं खाली जग्या नामक गांव में रहता हूँ या रहती हूँ। हम तो सब सूरत में रहते हैं और सूरत एक शहर है, परंतु फिर भी हम सूरत ही लिखेंगे। और अगर लड़का है तो वह रहती हूँ पे लाइन कर देगा और लड़की है तो रहती हूँ पे लाइन कर देगी। वाक्य होगा, मैं सूरत नामक गांव में रहता हूँ या फिर रहती हूँ। मेरे पिता का नाम खाली जग्या है, यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। मेरी माँ का नाम खाली जग्या है, आपको अपनी माता का नाम हिंदी में लिखना है। मेरे भाई का नाम खाली जग्या है, यहाँ पर आपको अपने भाई का नाम लिखना है, वो भी हिंदी में। मेरी बहन का नाम खाली जग्या है, यहाँ पर आपको अपनी बहन का हिंदी में नाम लिखना है। मेरे चाचा का नाम खाली जग्या है, चाचा किसे कहते हैं बच्चों। चाचा हमारे पिताजी के छोटे भाई है, जिसे हम अंकल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने चाचा का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद मेरी बुआ का नाम खाली जग्या है, बुआ यानी कि हमारे पिताजी की बहन, जिसे हम गुजराती में फई कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बुआ का नाम हिंदी में लिखना है। आपके परिवार में कौन कौन है, सही या गलत चिन्ह लगाइए, यानी कि अभी आप जिस कुटुंब के साथ रहते हैं, कोई कोई बच्चे सिर्फ पापा मम्मी और भाई बहन के साथ रहते होंगे और कोई कोई के साथ चाचा और चाची, दादा और दादी, वह सब भी होंगे। तो आपको अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पर सही और गलत का निशान करना है। जैसे कि पहला है माता, माता में क्या आएगा, सही। दूसरा है पिता, पिता में भी क्या आएगा, सही का निशान। उसके बाद है भाई, बहन, तो जिसके भी भाई है और बहन भी है वो दोनों में सही का निशान करेंगे। जिसकी सिर्फ बहन है वो बहन में सही का निशान करेंगे और जिसका सिर्फ भाई है वो भाई के बॉक्स में सही का निशान करेंगे। उसके बाद है दादी, तो जिनके भी घर में दादी है वह सही का निशान करेंगे और नहीं है वह गलत का निशान करेंगे। वैसे ही दादा, चाचा, चाची, नाना, नानी, फूफा और बुआ। परंतु इसके लिए हमें परिवार के रिश्ते पता होने चाहिए, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन किसे कहते हैं यह तो हम जानते हैं। चलिए हम दूसरे रिश्तों के बारे में भी देख लेते हैं। दादा और
दादी। हमारे पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं और हमारे पिताजी के माता को दादी कहते हैं। चाचा चाची। हमारे पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी को चाची कहते हैं। नाना नानी। हमारे माता के पिता को नाना कहते हैं और माता की माता को नानी कहते हैं। फूफा बुआ। हमारे पिता की बहन को बुआ कहते हैं और पिता की बहन के पति को फूफा कहते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपके साथ अपने परिवार में रहते हैं उनमें सही का निशान करेंगे और जो नहीं रहते हैं उनमें गलत का निशान करेंगे। आगे मेरे दोस्त या मेरी सहेली का नाम खाली जगह है। यहाँ पर अगर लड़का है तो वह अपने दोस्त का नाम लिखेगा और लड़की है तो वह अपनी सहेली का नाम लिखेगी। परंतु याद रखना, नाम हिंदी में लिखना है। आगे मुझे खाली जगह खेलना पसंद है। तो आपको जो भी खेल खेलना पसंद हो वह आपको हिंदी में लिखना है। मेरे अध्यापक या मेरी अध्यापिका का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और अध्यापक पे लाइन कर देनी है। अध्यापक यानी सर और अध्यापिका यानी मैडम। तो यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। मैं सुबह खाली जगह बजे उठता हूँ या उठती हूँ। तो आप जितने बजे उठते हैं वह आपको हिंदी में लिखना है। लड़का है तो वह उठती हूँ को काट देगा और लड़की है तो वह उठता हूँ को काट देगी, यानी कि वहाँ पर लाइन कर देगी। आगे मैं खाली जगह बनना चाहता या फिर चाहती हूँ। मैं मतलब आप जो भी बनना चाहते हैं वह आपको हिंदी में लिखना है। जैसे कि डॉक्टर, नर्स, अध्यापक या फिर आपकी जो भी इच्छा है वह आप इसमें लिख सकते हैं। और लड़का चाहती हूँ को काट देगा और लड़की चाहता को काट देगी। आगे मुझे खाली जगह ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर पूरा एक कोष्टक दिया गया है तो आपको सभी के उत्तर देने हैं। जैसे कि मुझे खाली जगह खेल पसंद है तो यहाँ पर क्रिकेट लिखा है। परंतु आपको जो भी खेल पसंद हो वह आपको अपने हिसाब से लिखना है। वैसे ही मुझे खाली जगह खिलाड़ी ज़्यादा पसंद है। खिलाड़ी यानी कि जो खेल खेलते हैं। तो आपको जो भी खिलाड़ी ज़्यादा पसंद हो उसका नाम इसमें लिखना है। मुझे खाली जगह पढ़ना ज़्यादा पसंद है। आपको जो भी विषय ज़्यादा अच्छा लगता हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। मुझे खाली जगह खाना ज़्यादा पसंद है। आपको खाने में जो भी बहुत ज़्यादा पसंद हो उसका नाम लिखना है। मुझे खाली जगह गाना ज़्यादा पसंद है। आपको जो भी गाना पसंद हो वह सिर्फ थोड़े शब्दों में लिखना है, पूरा गाना लिखना नहीं है। मुझे खाली जगह देखना ज़्यादा पसंद है। आपको जो भी देखना पसंद हो वह आप लिख सकते हैं। इसमें आप अपने फेवरेट कार्टून का नाम भी लिख सकते हैं। मुझे खाली जगह से मिलना ज़्यादा पसंद है। तो आपको जिससे भी मिलना अच्छा लगता हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे खाली जगह रंग ज़्यादा पसंद है। तो आपका पसंदीदा रंग आपको इसमें लिखना है। पर एक बात याद रखनी है कि सारे जवाब हिंदी में लिखने हैं। आगे मुझे ना पसंद है।
नापसंद यानी कि हमको जो अच्छा नहीं लगता है वह, जैसे कि झूठ बोलना। तो आपको जो जो भी अच्छा ना लगता हो यानी कि नापसंद हो वह आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों, हमें हमारा परिचय यानी कि अपने बारे में ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इसे हम बोल भी सकने चाहिए और हमें लिखना भी आना चाहिए। तो जिन जिन को भी पता नहीं है वह अपने मम्मी पापा को भी पूछ सकते हैं और याद रख के लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।